फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आपको बताऊंगी बहुत ही सुंदर ब्लाउज बैक नेट डिजाइन कैसे बनाए। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, फिर बेल आइकॉन का बटन दबाइए जिससे आपको मेरी वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। देखिए, मैंने ब्लाउज कट कर लिया, ये मैं बिना लाइनिंग करा रही हूँ, आप लाइनिंग करो, सेम राफा की लाइनिंग भी कट कर लीजिए। और देखिए, मैंने डिजाइन के लिए एक अलग से कपड़ा लिया गोल्डन कलर का, मैं आपको इसका साइज बताती हूँ ब्लाउज का। देखिए, ब्लाउज की जो लंबाई हमें 14 इंच लिए, तैयार में 13.5 इंच आएगी, 1/2 इंच हम अंदर फोल्ड कर देंगे इसे। और देखिए, ये हम 34 साइज बना रहे हैं, डबल फोल्ड में 8.5 इंच ले लिया है, 2 इंच हमारा मार्जिन है इसमें, शोल्डर 6 इंच लिए, मुड्डी भी 6 इंच लिए, और इसमें 1.5 इंच की गुलाई दी है। तो देखिए, शोल्डर से 3 इंच पर निशान लगा लेते हैं। इसकी जो लंबाई लेंगे वो हम 4 इंच लेंगे। हम 1 इंच की गुलाई देंगे, देखिए इस तरह, इसे हम कट कर लेते हैं। देखिए इस तरह, यहां से 3.5 इंच पे निशान लगा लेते हैं, और यहां से हम 1 इंच पे, और यहां से हम वी शेप देंगे इसमें इस तरह। देखिए इस तरह, इसे हम कट कर लेंगे। देखिए इस तरह, और जो हमने वी शेप कट किया है, इसके लिए हम क्रॉस में पट्टी कट करेंगे। देखिए, ये मैंने क्रॉस में 1.5 इंच चौड़ी पट्टियां कट करी है। देखिए इस तरह, इन्हें बीच में जॉइंट कर लेंगे हम पट्टियों को, और इस तरह फोल्ड करेंगे। पहले जो हमने वी शेप दी है, यहाँ पर फिनिशिंग देंगे इस तरह, और फिर हम इसे अंदर फोल्ड कर देंगे, और सेम नेक पे भी करेंगे क्रॉस में पट्टी। ये हम अंदर से लेंगे उल्टे साइड से, और ऊपर पलट देंगे हम इसे। देखिए, हमने गोल्डन कलर का कपड़ा लिया है, इसकी हम पट्टियां कट करेंगे 1.5 इंच पे, इसकी लंबाई चौड़ाई हम 1.5 इंच लेंगे सेम। इस तरह सेम इस तरह हम और पट्टियां कट करेंगे। देखिए इस तरह मैंने 8 से 10 पट्टियां कट कर ली हैं, और छोटी वाली मैंने रेड वाली 1 इंच चौड़ी पट्टी कट करी है सेम। तो देखिए, इसे हम क्रॉस में रखेंगे, फिर इस तरह सेम इसे भी हम इसके बीच में रखेंगे, और इस तरह हम तैयार कर लेंगे इसी तरह हम सारे। देखिए इस तरह क्रॉस में रखेंगे इसे हम, और छोटे वाली पट्टी ली थी हमने रेड में, इसे भी हम क्रॉस में रखेंगे, इसको ऊपर इस तरह रखेंगे, फिर हम 1/2 इंच यहां से फोल्ड करेंगे इसे, और 1/2 इंच इस तरह, और सिलाई लगा देंगे नीचे में स्ट्रेट। देखिए इस तरह मैं तैयार कर लेती हूँ, और देखिए इस तरह मैंने सारे तैयार कर लिए। देखिए, ब्लाउज सीधे रखा है नीचे हमने, और जो हमने इस तरह कट किए थे ऊपर से हम 1/2 इंच छोड़ेंगे, और सिलाई लगाएंगे क्रॉस। और देखिए इस तरह हम बीच में बिल्कुल हम थोड़ा सा गैप छोड़ेंगे। देखिए इस तरह मैं एक जगह 5 लगाए, और एक दूसरे साइड हम 5 लगाएंगे। देखिए इस तरह मैंने पट्टियां लगा दी, अब हम जो हमने क्रॉस में पट्टी कट की थी इस तरह डबल फोल्ड करेंगे इसे, और इसके ऊपर लगाएंगे फिनिशिंग के लिए। देखिए इस तरह मैंने सिलाई लगा दी, इसे हम 1/2 इंच अंदर फोल्ड करेंगे इस तरह, और इस तरह हम पाइपिंग देंगे इसकी।
देखिए इस तरह मैंने पट्टी लगा दी, और जो हमने क्रॉस में पट्टी कट की थी इसे हम पूरे नेक से लगाएंगे ऊपर से। देखिए मैं डबल फोल्ड कर लिए पट्टी, हम नीचे से लगाएंगे इस तरह। देखिए इस तरह। देखिए इस तरह मैंने सिलाई लगा दी, इस तरह फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर हम इस तरह सिलाई लगा देंगे। देखिए ऊपर में पट्टी लगा दी, अब नीचे फिनिशिंग देंगे हम। देखिए इस तरह फोल्ड करेंगे और नीचे स्ट्रेट सिलाई लगा देंगे। देखिए नीचे में फिनिशिंग दे दिए, देखिए हम नीचे फिनिशिंग दे दिए। नॉर्मल चार इंच लंबी प्लेट डालते हैं, मैंने प्लेट डाल दिए। और देखिए ऊपर में पट्टियां लगा दी, ऊपर भी पट्टी लगा दी नेक पे। और देखिए और भी सुंदर लुक लाने के लिए हमने ये कशन बनाए, इसमें हम इस तरह साइड से कशन हम इस तरह अंदर अटैच कर देंगे इसे। देखिए इस तरह हम एक साइड दोनों कशन लगा देंगे। और देखिए टशन की वीडियो मैंने अपने YouTube पे डाली है, आप मेरे YouTube के प्लेलिस्ट में जाके टशन की वीडियो देख सकते हैं। देख सकते हैं कितना सुंदर पड़ा हमारे ब्लाउज का। इस आसान तरीके से आप भी सुंदर सा ब्लाउज बना सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो प्लीज मेरी